हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जी सभी को राम राम। राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे अपन, उसमें पहला वीडियो जो राजस्थान का सामान्य परिचय लिया अपन ने, क्षेत्रफल के बारे में देखा, उसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, पूर्व से पश्चिमतम की चौड़ाई तथा उसके प्रमुख जिले जो कि पाकिस्तान को टच करते हैं, यानी कि अपन ने उसकी जो प्रमुख बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनका परिचय लिया। और जिसके बाद अपन ने राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप शुरू किया, उसमें चार भाग थे, राजस्थान का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी पठार, यानी कि हाड़ौती का पठार। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका रीट का एग्जाम है जो लेवल फर्स्ट या सेकंड कोई भी हो, या फिर आप तैयारी कर रहे हो आरएस प्री की, तो आपके लिए राजस्थान बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर राजस्थान का पूरा इतिहास पढ़ा दिया है, उसमें एक मैराथन वीडियो है दोस्तों, एक मात्र एक वीडियो में पूरा राजस्थान का इतिहास कंप्लीट कर दिया है, और उसमें उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है दोस्तों, यानी कि उन सभी प्रश्नों का जवाब भी उस वीडियो में मिल जाएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का अरावली पर्वतमाला, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला। सबसे पहले तो ये बता देते हैं दोस्तों, ये राजस्थान मान लीजिए, नक्शा भी बताऊंगा मैं, तो यहाँ से जो ये पर्वतमाला है इसे डिवाइड कर देती है इस वाले एरिया को, तो ये तो है मरुस्थल। कौन सा है? मरुस्थल। और ये पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, ये क्या करती है, इस मरुस्थल को इधर बढ़ने से रोकती है, यानी कि ये एक वरदान है पूर्वी राजस्थान के लिए और अभिशाप है पश्चिमी राजस्थान के लिए। ये वर्षा को डिसाइड कर देती है, इधर का जो अरब सागर का मानसून आएगा, यहाँ से दूसरा कलर चेंज करके बताता हूँ मैं, अरब सागर से कोई भी मानसून आ रहा है तो इसके समानांतरीय श्रेणी होने की वजह से बरसात नहीं हो पाती है। पर क्या बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे बरसात होती है? जी बिल्कुल, दक्षिण पूर्वी जो पठार है राजस्थान का, उसमें बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे बरसात होती है। तो एक चीज़ अच्छे से जान लीजिए, जो दक्षिण पश्चिम में, हाँ दक्षिण पश्चिम में जो मानसून चलता है उसके ये समांतर होने की वजह से वर्षा नहीं होती है, और जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है उसके कारण ही यहाँ पर बरसात हो पाती है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर। ये इधर का मरुस्थल रह जाता है और इधर की जो ज़मीन है वो उपजाऊ बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में और इसकी प्रमुख बातें हैं वो सारी चीज़ें। सबसे पहले तो ये राजस्थान का नक्शा है दोस्तों, और यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार अरावली पर्वतमाला है, मैं पूरा बता देता हूँ, ये इस प्रकार दोस्तों अरावली पर्वतमाला है। इसकी बार ये देखिए, ये वाला जी, ये इधर चौड़ा है, कहाँ पर? उदयपुर में सबसे अधिक चौड़ा है। और ये पूछा जाता है सबसे अधिक इसका विस्तार कौन से जिले में है, तो दोस्तों ये अजमेर वाला जिला है, यहाँ पर भी इसका विस्तार बहुत अधिक है। राजसमंद, उदयपुर, उदयपुर में दोस्तों सबसे अधिक विस्तार, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल देखा जाए तो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर अपन सामान्य परिचय देखो, अरावली जो शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, अरावली एक संस्कृत का शब्द है, अरा और वली दो भागों में डिवाइड करें इसको और इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो ये होता है लाइन ऑफ पिक्स, यानी कि जो चोटियां होती है वह चोटियों की एक रेखा, यानी कि ये चोटियां हैं, जैसे बहुत सारी चोटियां हैं तो ये वाली रेखा पूरी, तो इसको लाइन ऑफ पिक्स बोल सकते हैं, यानी कि एक चोटियों की श्रृंखला को जोड़ने वाली पहाड़ी है अरावली पर्वतमाला। दूसरी बात, ये बहुत ही प्राचीन पर्वतमाला है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करें तो कहीं जगह अलग अलग सन मिलते हैं या फिर कहीं जगह अलग अलग इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अगर इसको ज्योग्राफिकल जो ईरा सिस्टम है डिवाइड किया है समय के अनुसार, तो इसको प्री कैम्ब्रियन युग में रखा जाता है, प्री कैम्ब्रियन युग में, यानी कि 360 मिलियन ईयर पूर्व। देखो दोस्तों, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख, ये आप बात जान लीजिए, तो 360 को 10 लाख से गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अरावली पर्वतमाला है इसकी उत्पत्ति कब हुई होगी। दोस्तों ये एक वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला को समझाने से पहले मैं आपके सामने वर्णन करना चाहूँगा हिमालय का, किसका? हिमालय का।
हिमालय दोस्तों वलित पर्वतमाला है, इनको अल्पाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है। अल्पाइन पर्वतमाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अध्ययन है ना अल्पाइन जो पर्वतमालाएं हैं उनका हुआ है, किन में? वलित पर्वतों में। तो हिमालय भी एक वलित पर्वत है, इस वजह से उसको अल्पाइन पर्वतमाला भी कहा जा सकता है, या अल्पाइन काल का पर्वत भी कहा जा सकता है। अब वलित क्यों बोलते हैं दोस्तों, ये क्या है? जो इनका निर्माण है ना वो इधर से एक भारी प्लेट है और इधर से भी एक प्लेट है, तो जो भारी वाली प्लेट है वो नीचे चली जाएगी, सबडक्शन हो जाएगा उसका, और जो ये इधर की हल्की वाली प्लेट है, ये हल्की वाली प्लेट है, इस पे वलन पड़ जाएंगे, ठीक है, मोड़ पड़ जाएंगे, ये मोड़ पड़ जाएंगे ऐसे, तो इधर की जो जमी है ऊपर उठ जाएगी, कहीं नीचे हो जाएगी, घाटियाँ बन जाएगी। तो ये वलन होने की वजह से इस पर्वतमाला को वलित पर्वतमाला भी कहा जा सकता है। तो ये भारत की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अवशिष्ट पर्वतमाला। अवशिष्ट पर्वतमाला इसलिए कहेंगे दोस्तों क्योंकि इसकी उत्पत्ति बहुत समय पहले हुई थी, मैंने बताया अभी आपको 360 × 10 लाख वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये बहुत ही पुरानी पर्वतमाला है और इसका अपरदन हो रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो ये अरावली पर्वतमाला है इसका अपरदन का प्रमुख कारण क्या है, तो दोस्तों इसके अपरदन का प्रमुख कारण है वायु। वायु के अपरदन के कारण अब इसकी जो ऊंचाई है वह कम हो चुकी है, पहले ये बहुत ऊंचा रहा होगा, हिमालय जैसा पर्वत रहा होगा, ऊंचे ऊंची इसकी चोटियां होगी, जैसे माउंट एवरेस्ट है अभी उस प्रकार। यहाँ पर गुरु शिखर, जरगा, गुरु से जरा आशा रखो, ये वाला डायलॉग सुनी रखा होगा आपने, तो जरगा पर्वतमाला, रघुनाथगढ़ और जो गिरि शिखर है ये बहुत ही ऊंची रही होगी उस समय पर। वायु के अपरदन के कारण बहुत तेज हवाएं चलती है, इस वजह से इसका अपरदन समय के अनुसार होता रहा और आज ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में स्थित है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब वापस चलते हैं विस्तार, अगर इसके विस्तार के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों ये चार राज्यों में इसका विस्तार है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार कितने राज्यों में है, तो दोस्तों इसका जो विस्तार है वह चार राज्यों में है, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में और दिल्ली में। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक खत्म हो जाएगी, अब नीचे से चलते हैं दक्षिण से। तो दोस्तों गिरनार, जो गिरनार है गुजरात में स्थित है दोस्तों, तो गुजरात से लेकर इसकी राजस्थान होकर उधर रायसीला हिल, जो रायसीला हिल दोस्तों यहाँ पर प्रेसिडेंट, जो भारत के राष्ट्रपति के भवन बने हुए हैं, तो इसकी जो लंबाई है वहाँ तक है। अगर किलोमीटर में बात करें तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है कुल लंबाई वह है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। अब कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, अब क्वेश्चन यहाँ पे अपन जाकर अटक जाते हैं और ऑप्शन भी ऐसे दिए होते हैं कि 692 दे देगा, 650 दे देगा, 550 दे देगा और 450 दे देगा। तो दोस्तों जान लीजिए यहाँ पर जो राजस्थान में इसका विस्तार है वह है 550 किलोमीटर। कितना है? 550 किलोमीटर। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, इसकी जो कुल लंबाई है वह है दोस्तों 692 किलोमीटर पूरी कुल लंबाई है ये इसकी, और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वह है 550 किलोमीटर, और इसका विस्तार भारत के चार राज्यों में स्थित है, यानी कि भारत के चार राज्यों में इसका विस्तार है। राजस्थान में इसका 80% हिस्सा है, राजस्थान में इसका 80% हिस्सा विस्तारित है या फिर प्रेजेंट है। अब बात करें इसके सर्वोच्च शिखर की, तो गुरु शिखर आपने सभी ने नाम सुना होगा, पर क्वेश्चन दोस्तों ऐसे नहीं पूछा जाता, अब पहले पूछा जाता था, या फिर आपके रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम हो तो उसमें पूछ सकते हैं कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर आप बता दोगे, पर अगर यही क्वेश्चन आर एस के प्री में पूछा जाए तो कैसे पूछेगा, वो दे देगा आपको राजस्थान जो गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई फिट में कितनी है, तो फिट में बतानी होगी, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तो आप कन्वर्ट कर लोगे, पर यहाँ पर 56.50 ध्यान रख सकते हो, 56.50 फिट इसकी ऊंचाई है, ठीक है, फिट में। तो आपको अब यहाँ से क्या क्या जानकारी मिली,
692 जो इसकी किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 80% इसका जो विस्तार है वो राजस्थान में है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 622 मीटर है। अगर फीट में बात करें तो 5650 फीट इसकी जो ऊंचाई है। दोस्तों 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। कितनी? 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? अरावली पर्वतमाला की। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब इसके विभिन्न नाम, तो दोस्तों इसका इसके विभिन्न नाम, उदयपुर में इसको जग्गा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अपन अलवर की, तो अलवर में इसको हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, इसके क्षेत्रीय नाम है। क्षेत्रीय अलग अलग नाम हो सकते हैं। आपके गांव में बरबुड़िया को क्या बोलते हैं? मुझे पता नहीं। हमारे गांव में बरबुड़िया बोलते हैं, कई तरफ आंधी बोलते हैं, कई तरफ लू बोलते हैं, पर चीज़ एक ही है, उसके अलग अलग क्षेत्रीय नाम हो सकते हैं। उसी प्रकार अरावली पर्वतमाला के भी अलग अलग नाम हैं। दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बहुत सारी नदियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जो पहाड़ है वहाँ पर वर्षा होगी और वहाँ से जो झरने चलेंगे वह नदियों की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। तो जो झरने हैं वह नदी बनाते हैं आगे चलकर। इसी प्रकार यहाँ से जो लूणी नदी है उसका उद्गम होता है, बनास नदी है उसका उद्गम होता है, साबरमती, साभी जो नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल भी अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अपन जैसा कि पहले बात कर रहे थे कि इसकी जो औसत ऊंचाई है 930 मीटर है, तो ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और 692 इसकी टोटल लंबाई है, 550 जो किलोमीटर है ये इसकी राजस्थान में विस्तार है इसका। अब बात करते हैं, नॉर्थ पार्ट इज मच ओल्डर देन साउथर्न। तो दोस्तों ये जो साइंटिफिकली स्टडी की है इसके बारे में कई वैज्ञानिकों ने, कई जियोलॉजिस्ट ने या कई भूगोलवेताओं ने, तो उन्होंने पाया कि इसका जो नॉर्थ पार्ट है, उत्तर का पार्ट है, वो ज़्यादा पुराना है। किसकी अपेक्षा? जो इसके दक्षिण पार्ट है उसकी अपेक्षा उत्तर का जो हिस्सा है वो ज़्यादा पुराना है। ठीक है, अब इसकी औसत ऊंचाई देख ली। वर्गीकरण, तो दोस्तों इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। कितने भागों में? जो पूरी अरावली है उसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये लीजिए, तीन भागों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये वाला हो गया दोस्तों उत्तरी हिस्सा। तो ये इसको कहाँ से शुरू करेंगे? ये दिल्ली से स्टार्ट होता है दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये दिल्ली से स्टार्ट होता है और राजस्थान की जो सांभर झील है वहाँ तक। इसको बोलेंगे उत्तरी अरावली। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी अरावली। अब बात करते हैं मध्य अरावली की। तो दोस्तों यहाँ सांभर झील से चलेंगे अपन, तो अजमेर का एक टाटगढ़ तक पहुँच जाते हैं, अजमेर के टाटगढ़ तक। चलिए वापस शुरू करते हैं अपन। तो दिल्ली से सांभर झील तक इसका उत्तरी अरावली बोलेंगे इसको। मध्य अरावली कहाँ से? सांभर झील से टाटगढ़ तक। ये टाटगढ़ कहाँ है? अजमेर। ठीक है, यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड का भी किला बना हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं टाटगढ़ से कहाँ तक चलेंगे? जी चलेंगे यहाँ तक, गिरनार तक। दोस्तों गिरनार तक, गिरनार तक अच्छे से लिख देते हैं। ये यहाँ पर गिरनार लिखा हुआ है, ये गिरनार तक। तो इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अब इसका विस्तार दिल्ली से सामर तक उत्तरी अरावली, सामर से टाटगढ़ तक मध्य अरावली और टाटगढ़ से गिरनार तक दक्षिण अरावली। ठीक है, अब इसको राजस्थान में देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में अगर डिवाइड करें तो इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है दोस्तों दक्षिण से यहाँ पर माउंट आबू वाला ब्लॉक हो गया। ठीक है, माउंट आबू ब्लॉक बोलेंगे दोस्तों। ये सिरोही से शुरू होता है, सिरोही में इसका विस्तार ज़्यादा है और राज्य का सर्वोच्च भाग है। तो यहाँ पर सर्वोच्च शिखर है दोस्तों गिरी शिखर, गुरु शिखर यहाँ पर ही है, 1722 मीटर, जिसको 5650 के नाम से भी देखा आपने, 5650 फिट, ये आया 1722 मीटर इसका विस्तार है। ठीक है, माउंट आबू वाला हो गया। अब दूसरा है दोस्तों मेवाड़ पहाड़ियाँ, मेवाड़ की पहाड़ियाँ दोस्तों हम यहाँ से मिटा देता हूँ। तीसरा भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे इसको, तीसरा है मेरवाड़ा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, और चौथा कर सकते हैं उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ जो जयपुर में हैं, चौथा उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ।
दोस्तों यहाँ पर जो ये मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पठार हैं और अक्सर क्वेश्चन इन पठारों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं अपन सबसे पहले भौमट का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले नाम बता देता हूँ, फिर उनके बारे में थोड़ा विस्तृत से मैं चर्चा कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। भौमट का पठार हो गया साहब, ये हो गया भोराट का पठार। आपको पठार राजस्थान के पठार अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो। फिर तैयारी भले से आप आरएस मेंस की कर रहे हो, आरएस प्री की कर रहे हो, या किसी कॉलेज प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ से इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। आपके अरावली पर्वतमाला के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भौमट पठार, चलिए वापस आते हैं। भौमट का पठार, भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा का पठार और उपरमाल का पठार, ये पांच पठार है और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक होते हैं। भूगोल में पठारों के बारे में अधिक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे धात्विक आध्यात्मिक खनिजों की उत्पत्ति होती है या खनन किया जाता है। या फिर बात करें मार्बल जैसे पत्थरों के, या कोटा स्टोन जैसे पत्थरों के बारे में, मकराना जैसे संगमरमर के बारे में, तो ये सब भी इन पठारों से निकाले जाते हैं। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण, बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण होता है कई सारे पठारों का, ठीक है। अब भौमट का पठार क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भौमट म से ध्यान रखना है कि यहाँ मोतीलाल तेजावत का जो कार्यस्थल है वह रहा है भौमट का पठार। भौमट के पठार को जो मोतीलाल तेजावत है उन्होंने अपना कार्यस्थल बनाया था। उदयपुर से सिरोही तक इसका विस्तार है दोस्तों, कहाँ से उदयपुर से सिरोही तक। एक ही आंदोलन का जो प्रथम भाग रहा है वो यहीं पर हुआ है, एक ही आंदोलन। जब मैंने इतिहास पढ़ाया था आप लोगों को तो याद कीजिए, वहाँ पर मोतीलाल तेजावत के बारे में अपन ने वर्णन किया था, और जो मातृकुंडिया है वहाँ पर उनकी सभा हुई थी, और उस पर जो मेवाड़ महाराणा है और अंग्रेज अधिकारियों ने गोलियां चलवा दी थी भीलों पर, तो उसकी वजह से कई सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, ठीक है। भौमट का पठार तो यहाँ से मोतीलाल तेजावत और एक ही आंदोलन का भी आपको ध्यान रखना है। जिसके बाद चलिए अपन चलते हैं भोराट का पठार। भोराट का पठार दोस्तों प्रताप में भी र आता है और यहाँ भोराट में भी र आता है, तो यहाँ से ध्यान रखना है। ये महाराणा प्रताप की कार्यस्थली रही है गोकुंदा से लेकर कुंभलगढ़। अगर कभी आपको जाना हो दोस्तों कुंभलगढ़, और इधर उदयपुर से कुंभलगढ़ जा रहे हो आप, तो गोकुंदा वाला एरिया है जो बारिश के मौसम में इतना शानदार लगता है, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप राजस्थान में नहीं कहीं वहाँ शिमला में घूम रहे हो, ऐसा लगेगा आपको। इतनी शानदार हरियाली होती है, और जो लोग कहते हैं ना कि राजस्थान में तो मरुस्थल मरुस्थल है, वो इस समय यहाँ पर घूमने चले गए बारिश के मौसम में, तो उनको लगेगा कि जन्नत में आ गए, ठीक है। तो गोकुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का जो पठार है उसको भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है जी। चलिए अब देखते हैं लसाड़िया का पठार। लसाड़िया दोस्तों आज भी कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो इधर पोस्टिंग करवाना नहीं चाहता है, पहली बात तो बैकवर्ड इलाका है थोड़ा सा लसाड़िया। पर अब आज के टाइम में राजस्थान सरकार ने या भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए और इसका डेवलपमेंट किया है। उदयपुर से जय संबंध के बीच में है दोस्तों ये, और यहाँ पर ही एक की जो आंदोलन रहा है उसका सेकंड चरण चला था, ठीक है। अब बात करते हैं मेसा का पठार। तो मेसा का पठार पढ़ने से पहले ये याद कर लीजिए कि आपने इसका नाम कभी सुना था। जी बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि जो चित्तौड़ का किला है वो मेसा के पठार पर ही स्थित है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़ का किला कौन से पठार पर स्थित है, तो ये मेसा के पठार पर स्थित है, ठीक है। उपरमाल का पठार, इसको नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जो भैंस उपरमाल का पठार है यहाँ पर बिजौलिया किसान आंदोलन, जी बिजौलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था, 1897 से लेकर 1941 तक चला था दोस्तों। 1941 तक तीन चरणों में चला था। प्रथम चरण का जो नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने किया था, और साधु सीताराम दास को इसीलिए किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। दूसरा नंबर आता है दोस्तों विजय सिंह पथिक का, भूप सिंह नाम है जिनका। विजय सिंह पथिक ने, यहाँ बता दूं मैं आपको, 1916 के बाद से 1927 तक इस आंदोलन का नेतृत्व किया था।
1927 के बाद राजस्थान सेवा संघ इस आंदोलन का नेतृत्व करता है और 1941 तक ये एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन रहा है किसानों का, जिसमें कहीं किसी की सॉरी जान माल की हानि नहीं हुई और अहिंसा पूर्वक इस आंदोलन को चलाया विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, माणिकलाल वर्मा जैसे कई सारी राजस्थान के सपूतों ने। ठीक है, अब बात कर रहे हैं दोस्तों अपन इसके जो दो तीन पार्ट और बताए थे मैंने, मेवाड़ का पहाड़ियाँ बता दी, माउंट आबू ब्लॉक बता दिया, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। दोस्तों मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये टॉटगढ़, मेरवाड़, मेरवाड़ भी बोलते हैं, कहीं जगह मेरवाड़ा भी आता है, कमिश्नरेट था ये अंग्रेजों का, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश था उस समय पर। ठीक है, तो ये अजमेर से जो टोटगढ़ अरावली के बीच का जो क्षेत्र है ये विसंकलित है दोस्तों, तो मतलब यहाँ खाइयाँ वाइयाँ है तो ज़्यादा है, गोरम घाट यहाँ प्रसिद्ध है और यहाँ पर सॉरी जो शिखर है सर्वोच्च शिखर उसको गोरम शिखर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर टाटगढ़ अरावली जो टाटगढ़ है वो उसी पर बना हुआ है, यहाँ पर मीटर गेज ट्रेन भी चलती है दोस्तों। ठीक है, जिसके बाद तीसरा नंबर चौथे नंबर पर है उत्तरपुरी पहाड़ियाँ, तो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू में स्थित है। यहाँ पर जो रघुनाथगढ़ है दोस्तों, रघुनाथगढ़ सॉरी सर्वोच्च गुरु सीकर है जो कि सीकर में स्थित है। कहाँ पर है? सीकर में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, रघुनाथगढ़ जो पहाड़ी है वह कौन से जिले में स्थित है, तो याद रखना है ये सीकर पर स्थित है। अब बात करें दोस्तों इसके महत्व की, तो इसका महत्व अपन देखेंगे इस पर नक्शे में देखते हैं दोस्तों, इसका महत्व बहुत अधिक है। मैंने पहले तो बता दिया कि ये जलवायु को निर्धारित करती है, या फिर राजस्थान में वर्षा विभाजक या जल विभाजक रेखा कही जा सकती है, ये डिसाइड करती है कि कहाँ तक का मरुस्थल है और यहाँ से मरुस्थल आगे नहीं बढ़ सकता इस पहाड़ी की वजह से। दूसरा, अगर मैंने बता दिया अरब सागर का जो मानसून आएगा वो इसका समांतर चला जाएगा और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आएगा वो टकरा कर और पूर्वी राजस्थान में या फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बरसात करता है। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वतमाला इस प्रकार न होकर इस प्रकार होती तो क्या होता, तो दोस्तों ये वाला ये क्षेत्र है ये वर्षा बाहुल्य वाला क्षेत्र होता और जो पंजाब हरियाणा है वो रेगिस्तान होते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या मिलता है चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पत्थर, पत्थर कौन सा, संगमरमर की बात करें या फिर बात करें अपन मकराना जो ताजमहल बना हुआ है संगमरमर का इसी पत्थर से, तो यहाँ पर विस्तृत बहुत ही सुंदर प्रकार के सुंदर सुंदर या विशेषता रखने वाले पत्थर मिलते हैं। अब्रक की बात करें, अब्रक मिलता, खनिज, खनिज में दोस्तों अपन धात्विक और अधात्विक खनिज प्रमुख मानते हैं और वह धात्विक अधात्विक खनिज यहाँ पर अधिक मिलते हैं। ठीक है, ये बता दी मैंने, जल विभाजक के बारे में आप लोगों को बता ही दिया कि ये जल विभाजक रेखा है और यहाँ पर दोस्तों जड़ी बूटियाँ हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियाँ अगर कहीं मिलती है तो यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कई सारे लोग, यहाँ पर कत्ता बीड़ी बनाने वाले जो पौधे हैं वो भी बहुले हैं और तो क्या बताऊं दोस्तों, यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उड़िया का पठार, ये उड़िया वाला पठार है दोस्तों, ये नहीं बताया मैंने आप लोगों को, माउंट आबू वाला उड़िया का पठार, उड़िया पठार दोस्तों जो माउंट आबू है उड़िया पठार में है और राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है, उड़िया का पठार और यहाँ पर भी माउंट आबू स्थित है। इसके दोनों क्षेत्रों में दोस्तों एक तरफ तो गुरु सीकर है और दूसरी तरफ है शेर जो इसकी जो सर्वोच्च चोटियां हैं और सारे पठारों के बारे में मैंने बता दी। दर्रा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों, दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ियाँ होती है उसकी, ये पहाड़ी हो गई, एक ये पहाड़ी हो गई, इसके बीच का जो गैप होता है इसको दर्रा बोलते हैं और पगलिया की नाल कहाँ पर स्थित है ये दोस्तों, ये ध्यान रखना है, पगलिया की नाल कमेंट बॉक्स में बताना। एक है कामली घाट, स्वरूप घाट, ये राजसमंद में स्थित है सारे, तो ये दर्रे हो गए तो इनको नाल बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है।
और इसमें यही चीज़ इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि कुछ चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उत्तर देने की। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का पूरा भूगोल विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा आपको। ये जैसे आप एग्जाम की जो तैयारी है ना, आरएस मेंस के लेवल की कर रहे हो, या फिर रेट की कर रहे हो, या फिर रेट लेवल टू की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और उनका जवाब आप लोगों को इन वीडियो में निश्चित ही मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।